गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 8 सितंबर के बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन प्लस पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन को देखेंगे। और अगर आप स्टडी विद नीलम चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं और PDF के लिए आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम को ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। और अगर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो जो बेल आइकन होता है उसमें ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। हाल ही में चीन द्वारा किस पवित्र स्थल के पास मिसाइल सेंटर बनाया गया है? देखिए, ये जो न्यूज़ है पहले आप लोग क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि हम ऐसे ही आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जिसका कोई बेस होता है वो आपको करंट अफेयर्स, वो करंट टॉपिक आपसे डिस्कस किया जाता है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो ये न्यूज़ इकोनॉमिक टाइम्स और द प्रिंट में आई है, इसलिए मैंने इसे यहाँ इंक्लूड कर लिया है आप लोगों के लिए। तो चीन ने क्या करा है, किस पवित्र स्थल पर मिसाइल सेंटर बनाया? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर कैलाश मानसरोवर, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, क्या है ये? कैलाश मानसरोवर। और इसके यहाँ पर किसमें, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में क्या बना के रखा है चीन ने? मिसाइल सेंटर बना के रखा है। और यहाँ पर चीन के द्वारा DF-21 बैलिस्टिक मिसाइल को इस्टेब्लिश किया गया है, जिसकी मारक क्षमता कितनी है? 2200 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है और ये जमीन से हवा में मार करने में सक्षम है, ठीक है। तो इसी मिसाइल की यहाँ पर तैनाती की गई है। और ये विभिन्न धर्मों का क्या है, पवित्र स्थल भी है कैलाश मानसरोवर, आपको पता ही होगा। ये यहाँ पर जो लोकेशन देख रहे हैं आप, जो आपको दी गई ये इंडिकेट कर रहा है, ये है कैलाश पर्वत, ठीक है, जहाँ पर माना जाता है हिंदू धर्म के अनुसार माता पार्वती और शिव भगवान यहीं पर निवास करते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में इसे बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना गया। और जैन धर्म में तो ये माना जाता है जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव, उन्होंने यहाँ पर क्या की थी, तपस्या भी की थी। तो इस पवित्र स्थल पर इस तरीके की गतिविधियों के कारण ये क्या है, चर्चा में है, है ना। तो ये आप याद रखेंगे, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो किससे, कौन से दर्रे से जाता था भारत? तो ये करते थे भारतीय लोग कहाँ से, लिपु लेख और काला पानी से। और आप लोगों को पता होगा लिपु लेख और काला पानी का जो क्षेत्र है उसे नेपाल ने क्या बता दिया है, अपना क्षेत्र बता दिया है, ठीक है, अपने नक्शे में। तो ये भी आप याद रखेंगे, इन्हीं काला पानी और लिपु लेख से क्या जाया जाता था, मानसरोवर या कैलाश पर्वत की यात्रा पर जाते थे। देखिए, अब यहाँ पर चीन ने जो कब्जा करके रखा है, कब्जा किससे करके रखा है, मतलब ये क्षेत्र क्या कहलाता है, तिब्बत कहलाता है। और तिब्बत पर क्या करके रखा, चीन ने कब्जा करके रखा। और तिब्बती जो लोग हैं वो निर्वासित लोग हैं और उनकी जो संसद है वो कहाँ चल रही है, हमारे देश हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बत की क्या चलती है, संसद चलती है। और इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ, ठीक है, क्योंकि धार्मिक स्थल पर इस तरीके के मतलब हिंसक गतिविधियों को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। आप तो जानते ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म की क्या है, जो फिलॉसफी है वो। तो ये क्षेत्र है, यहाँ से कैलाश मानसरोवर से बहुत सारी क्या है, नदियाँ निकलती हैं, जैसे आपकी सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, घाघरा, ठीक है। तो इस प्रकार की नदियाँ भी इसी किससे निकलती हैं, पर्वत से निकलती हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर से एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, राक्कस ताल से, जो राक्कस ताल है ये भी क्या है, बहुत बड़ी झील है। आप लोगों ने अगर नदियाँ पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा यहाँ से भी क्या निकलती हैं, बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है और झीलों का भी उद्गम होता है। तो ये न्यूज़ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट थी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से किस पवित्र स्थल पर हाल ही में चीन द्वारा मिसाइल सेंटर बनाया गया? तो पवित्र स्थल क्या है, कैलाश मानसरोवर है, ओके। तो ये सारी चीज आप याद रखेंगे, ये आपको समझाने के लिए इसका जो गूगल लोकेशन थी वो मैंने ले लिया था इस तरीके से, ओके। तो ये आपको समझ में आएगा, ये सबसे ऊंचा पर्वत कैलाश पर्वत है, यहाँ पर ये है आपकी राक्कस ताल झील, ठीक है, और ये उसकी पूरी लोकेशन है, ठीक है, ये हनुमान ताल है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जॉनी बक्सी, 5 सितंबर 2020 को जिनका निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये 90 के दशक के, ठीक है, 90 के दशक के क्या थे, फिल्म निर्माता थे। और हाल ही में इनका 5 सितंबर 2020 को निधन हो गया है, तो आप इन्हें
याद रखेंगे, किसको? जॉनी बक्सी को, ठीक है। और ये कोरियोग्राफर की अगर हम बात करें तो किन का निधन हुआ? सरोज खान का। किन कोरियोग्राफर में? सरोज खान का हाल ही में निधन हो गया, जो डांस सिखाती थी। उर्दू शायर में हम देखेंगे तो राहत इंदौरी जी का निधन हो गया है। तो इनको भी आप याद रखें, इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से इन्हें हमेशा याद किया जाएगा और एग्जाम का ये पार्ट बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस भी हैं, तो याद रखिएगा। हाल ही में गुरु केशवानंद भारती का 6 सितंबर 2020 को निधन हो गया। इनका संबंध किस मठ से था? ठीक है, तो इनका संबंध था एडनीर मठ से। देखिए, ये इन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का रक्षक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है रक्षक? इनके इसके पीछे छोटा सा आपका ज़्यादा टाइम लूंगी मैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी, थोड़ा लूंगी, 5 से 7 मिनट आपको समझा देती हूँ। देखिए, केशवानंद भारती को भारत के संविधान का रक्षक इसलिए कहा जाता है क्योंकि केरल सरकार के द्वारा क्या किया गया था, जो इनका मठ था क्या, एडनीर मठ, ठीक है, इसके लिए केरल सरकार द्वारा 2 भूमि सुधार किए गए थे, ठीक है, भूमि सुधार। उन भूमि सुधार के अंतर्गत केरल सरकार ने क्या किया था, जो धार्मिक स्थल है उनसे उनकी जमीन लेकर उसे क्या किया जाएगा, खेती करने वाले लोगों को दिया जाएगा। तो उससे क्या था, केशवानंद भारती ने बोला ये तो गलत है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 26 है, ठीक है, आप लोगों को बता देती हूँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 में ये बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म का पालन करना, उसका प्रबंधन करना, उसका नियमन करने का अधिकार होगा। मतलब वो उसकी बिल्डिंग बना सकता है, ठीक है, उस मंदिर का, उस मठ का वो खुद प्रबंधन कर सकता है जिस धर्म का वो व्यक्ति है। तो ये क्या हुआ, आर्टिकल 26 का उल्लंघन हुआ, ठीक है। तो केशवानंद भारती क्या गए, केरल सरकार ने इस कानून को, भूमि सुधार कानून को किस अनुसूची में रख दिया, 9वीं अनुसूची में। और 9वीं अनुसूची में रखने का क्या मतलब होता है संविधान के, कि अब इस जो कानून बनाया गया है उस पर आप न्यायालय में बहस नहीं कर सकते या मुकदमा दायर नहीं कर सकते। इस वजह से फिर ये गए सुप्रीम कोर्ट और इन्होंने एक याचिका दायर की 1973 में, SN सीकरी 1973 में, याद रखिएगा, ये एग्जाम का पार्ट बनता है पॉलिटी की दृष्टि से, ठीक है, बहुत बड़ा ये था, फैसला आया था, ठीक है। तो क्या 1973 में ये गए जो सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, SN सीकरी जो क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे उस समय, उनकी अध्यक्षता में अब तक की, भारतीय इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी 13 जजों की बेंच को बैठाया, ठीक है। इन 13 जजों की बेंच में जो फैसला आया, उस फैसले के अनुसार 7 जज पक्ष में थे और 6 क्या थे, विपक्ष में थे। और इसमें अवधारणा आई मूल ढांचे की, ठीक है, मूल ढांचा। तो क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कि सरकार को संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन करने का अधिकार तो है, लेकिन वो मूल ढांचे को ध्वस्त नहीं कर सकती। अब मूल ढांचे का मतलब जो होता है कि भाई आपकी हो गई, अपन ले लेते हैं यहाँ पर न्यायपालिका को ही, ठीक है। अभी आप लोगों ने कुछ समय पहले देखा होगा, सरकार का उद्देश्य था एक आयोग बनाना जिसमें जजों की नियुक्ति की जा सके, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि संविधान में क्या किया गया है कि न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया। तो न्यायपालिका के विषय में आपने देखा होगा, जो भी कोई न्यायपालिका की नियुक्तियां होती है वो न्यायपालिका द्वारा ही निकाली जाती हैं। तो न्यायपालिका की नियुक्ति के संबंध में संसद कैसे फैसला कर सकती है? तो न्यायपालिका ने इसे क्या किया गया कि अति सक्रियता और संसद के कार्य, न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप का बताकर इस जो कानून लेकर आए थे, ठीक है, आयोग का, उसे क्या कर दिया, रद्द कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि संविधान का मूल ढांचा सरकार द्वारा ध्वस्त नहीं किया जा सकता। बाकी आर्टिकल 368 के तहत संसद किसी भी संविधान के किसी भी अनुच्छेद में, भाग में परिवर्तन कर सकती है। मूल ढांचे की अवधारणा को आप ये समझ सकते हैं, जैसे भाई हमारा मूल ढांचा है कि हमारा राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति क्या होगा, भाई जनता का प्रतिनिधि होगा, वही माना जाता है, ठीक है, नाम मात्र का प्रतिनिधि होता है। तो अब ऐसा ना हो कि भाई आप क्या कर दो, हमने क्या है, हमारे जो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं लोकसभा राज्यसभा के, वो चुनते हैं राष्ट्रपति। अब ऐसा ना कर दिया जाए सरकार के द्वारा कि इसे क्या कर दिया जाए, वंशानुगत बना दिया जाए इस पद को, तो ये क्या होगा, हमारे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन होगा। वंशानुगत मतलब रामनाथ कोविंद अब उनके बेटे बनेंगे राष्ट्रपति, फिर उनके बेटे बनेंगे, इसी तरीके से अब नरेंद्र मोदी जी ने तो शादी की नहीं है, लेकिन अगर कोई प्रधानमंत्री बनता है फिर उनके बेटे बनेंगे, फिर उनके बेटे बनेंगे, ठीक है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। जैसे चुनाव आयोग के जो मूल भावना है संविधान की, कि भाई चुनाव क्या होगा, ये गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा होगा, तो क्या करे सरकार, सरकार कर दे कि अब चुनाव कोई नहीं देगा। क्या होगा कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो जिनकी इनकम क्या है 28,000 महीने से अधिक है, वही अब चुनाव दे पाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, संविधान का जो स्ट्रक्चर है उसे छेड़छाड़ हो रही है, ठीक है। यहाँ पर 18 वर्ष की जगह क्या हो रहा है, 28,000 वाले जो इनकम हो रही है वही वोट डालेंगे, ठीक है। पहले ऐसा ही होता था भाई,
फिर धीरे धीरे इसको क्या किया गया, नागरिक अधिकार बनाया गया मतदान करने को, जिससे अब क्या है सरकारें जनता के खिलाफ कोई भी काम करने से पहले 10 बार सोचती हैं कि अगर हम 5 साल तो टिक गए लेकिन अगले 5 साल क्या होगा, और अगर जनता उग्र हो गई तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। इसलिए जनता की भावनाओं के अनुसार ही आपको कार्य करना होगा, जनता की आवश्यकताओं के अनुसार करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके के कोई भी नेगेटिव संशोधन नहीं कर सकती, जो हमारे संविधान निर्माताओं की मूल भावना थी। तो मूल ढांचे का जो शब्दावली है, मूल ढांचा जो है वो कब आया था, 1973 में केरल बनाम केशवानंद भारती मामला, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, और ये इसकी वजह से बहुत फेमस थे केशवानंद भारती जी, और इसीलिए इन्हें संविधान का रक्षक भी कहा जाता है। क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संविधान के रक्षक के नाम से निम्न में से कौन से व्यक्ति माने जाने जाते थे जिनका हाल ही में निधन हो गया था, वो कौन थे, तो ये यही थे केशवानंद भारती, ठीक है। 400 एकड़ के जो इनके मठ था उसकी जमीन ले ली गई थी केरल सरकार के द्वारा, और फिर बाद में ये मामला सुलझा था, ठीक है। तो ये सारे मैटर था, आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। हालांकि आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ मैं यहाँ पे, ये जो मैटर है केशवानंद भारती, ठीक है, ये जो मूल ढांचे का मामला था ये 1953 से ही प्रारंभ हो गया था, ठीक है। कभी गेंद किसके पाले में जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट के पाले में, तो कभी जा रही थी संसद के पाले में। सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं है, यहाँ पर संसद बोलती है कि हम सब में अधिकार कर सकते हैं। तो बहुत सारे डिसीजन आए, बहुत सारे संशोधन आए, इंदिरा गांधी थी उस समय, तो वो किसी दिन हम फ्री रहेंगे तो आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो इस पर बना देंगे मूल ढांचे के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं, ठीक है। हाल फिलहाल आप इतना बिल्कुल क्लियर करके रखिएगा। यहाँ पर बेलूर मठ है, तो बेलूर मठ का संबंध किससे, स्वामी विवेकानंद से है, ये इसी मठ से संबंधित, और कहां पर है ये, तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो इसके अध्यक्ष बन गए हैं मारुति सुजुकी कंपनी के MD CEO भारत में जो है तो वो कौन है, केनेबी आयुकावा, ये जापानी है, ठीक है। मारुति सुजुकी कंपनी की क्या है, MD CEO, याद रखिएगा इन्हें। और इसको शॉर्ट फॉर्म क्या होता है इसका, ये होता है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। ICM के अध्यक्ष बन गए कौन, केनेबी आयुकावा। और इसके उपाध्यक्ष कौन बने, तो ये बने विपिन सोंधे, कौन बने हैं, विपिन सोंधे इसके उपाध्यक्ष बने। ये किसके MD CEO है, तो ये हैं अशोका लीलैंड के MD CEO विपिन सोधे, ठीक है। तो इन्हें आप याद रखेंगे, विपिन सोधे को ये उपाध्यक्ष बने, और ये आयुकावा क्या बने हैं, तो ये बन गए हैं अध्यक्ष। और अशोक जो लीलैंड के हैं विपिन सोधे, इनका 2 वर्ष का कार्यकाल होगा उपाध्यक्ष के रूप में, ठीक है। जो इंडिया सोसाइटी ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी जुलाई 2012 में, और मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। कहाँ मिलेगा इसका मुख्यालय, नई दिल्ली में। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अच्छे से याद रखिएगा। जल संरक्षण के प्रति हाल ही में जागरूक करने और संवेदनशील बनाने के लिए कौन सी प्रतियोगिता प्रारंभ की गई है, तो राइट आंसर होगा वाटर हीरोज। कौन सी प्रतियोगिता प्रारंभ की गई है, वाटर हीरोज प्रतियोगिता प्रारंभ की गई है। ये प्रतियोगिता किसके द्वारा प्रारंभ की गई है, तो ये प्रारंभ की गई है जल संरक्षण मंत्रालय के द्वारा। और जल संरक्षण मंत्रालय के मंत्री कौन है वर्तमान में, तो ये हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत। और इनका लोकसभा क्षेत्र है जोधपुर, क्या है, लोकसभा क्षेत्र जोधपुर है। तो ये आप याद रखेंगे, लोगों को पानी के लिए क्या करना, जागरूक करना, उसे प्रिजर्व करना, जितना काम हो उतना ही यूज करना, और उसकी जो वेस्ट होता है, ठीक है, पानी अगर खराब हो रहा है या फेंका जा रहा है तो उसके प्रति संवेदनशील होना, ठीक है। ये ना होना कि हाँ ठीक है वो तो वापस आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों की टेंडेंसी यही रहती है कि अगर पानी गिर भी रहा होता है तो अपन लोग इनको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। तो इस टेंडेंसी को खत्म करना और संवेदनशील बनाना, तो याद रखिएगा, ठीक है, जल संरक्षण मंत्रालय। और 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं, तो जल दिवस मनाते हैं, ठीक है। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके फ्रेंड, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बैठक का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया आयोजन, तो ये आयोजन किया गया श्रीलंका में। श्रीलंका में इसलिए किया गया क्योंकि बिम्स्टेक, देखिए बे ऑफ बंगाल का मतलब है बंगाल की खाड़ी से लगने वाले देशों का संगठन, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर श्रीलंका को 2020 के अंत तक क्या प्राप्त हुई है, अध्यक्षता प्राप्त हुई है, तो 2 साल के लिए। तो ये बैठक भी कहाँ आयोजित की गई, श्रीलंका में ही
आयोजित की गई है। कब की गई? सितंबर 2020 में, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग, सितंबर 2020 में इस बैठक का आयोजन किया गया है। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर श्रीलंका की। तो श्रीलंका, हाँ, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? डेली बताती हूँ, ढाका में मिलेगा। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश की कैपिटल है, वहीं आपको बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर मिलेगा। चलिए तो यहाँ देख लेते हैं हम श्रीलंका को। श्रीलंका की कमर्शियल कैपिटल क्या है? कोलंबो है। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल क्या है? तो श्री जयवर्धन है, पूरा कोट्टे है। मुद्रा है श्रीलंकन रूपी। राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे, दोनों ही भाई हैं, ठीक है, महिंद्रा राजपक्षे और गोटाबाया राजपक्षे। देखिए जो ये श्रीलंका और भारत है, यहाँ पर ये कौन सी स्ट्रेट पाई जाती है इन दोनों के मध्य में? पाक जलडमरू मध्य, ठीक है, पाक स्ट्रेट या पाक जलडमरू मध्य हिंदी में बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और श्रीलंका में ही दक्षिण एशिया का सबसे ऊंचा टावर कौन सा है? लोटस टावर। कितनी इसकी ऊंचाई? 350 मीटर इसकी ऊंचाई है। और भारत तथा श्रीलंका के मध्य कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो पहली होती है मित्र शक्ति एक्सरसाइज और दूसरी होती है स्लाइनेक्स, ठीक है, भारत श्रीलंका नेवल एक्सरसाइज, क्या बोलते हैं इसे? स्लाइनेक्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप श्रीलंका से याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कनाडियन स्पेस एजेंसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका लिसा कैपबेल। लिसा कैपबेल कनाडा की स्पेस एजेंसी की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। पहला आ रहा है, अपने आप में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया है, ओके, याद रखिएगा। और जो अदर ऑप्शन है वो भी अभी चर्चा में रहे थे। लिसा स्टलेकर, इन्हें क्या बनाया गया? आईसीसी हॉल ऑफ फेम बनाया गया 2020 में। ये ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर कप्तान है, ठीक है, लिसा स्टलेकर। एम वीरा लक्ष्मी, इन्हें भी हमने देखा था, ये क्या है? ये देश की पहली महिला क्या बनी है? एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है। कहाँ पर? केरल में, ठीक है, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे, एम वीरा लक्ष्मी, सॉरी केरल में, हाँ केरल में बनी है। और के सेलजा, ये क्या है? ये केरल की वो हैं स्वास्थ्य मंत्री हैं और इन्हें यूनाइटेड नेशन के द्वारा कोविड-19 के समय इनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए क्या दिया गया है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। अब बात आई है कनाडा की, तो हम मैप में कनाडा को देख लेते हैं, ठीक है। और जो एम वीरलक्ष्मी, ये तमिलनाडु की वो है ड्राइवर, ठीक है, मैं आपको केरल बोल रही थी। तो ये है मैप में लोकेशन कनाडा की। देखिए ये वाला क्षेत्र जो है ये क्या कहलाता है? कनाडा। और ये क्या कहलाता है? ये है यूएसए, ठीक है। और ये वाला जो क्षेत्र है ये रूस से खरीदा है, अलास्का का क्षेत्र, किसने? कनाडा ने। कब खरीदा था? 1867 में खरीदा था। और अब ये किसका क्षेत्र है? रूस, यूएसए का ही क्षेत्र है, अलास्का राज्य, ठीक है। तो यहाँ पर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा है। प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो हैं। और इन्हें सबसे ज़्यादा मतलब फ्रेंडली, ठीक है, मतलब सिक्योरिटी के बिना लोगों के पास जाना घूमना फिरना, मतलब बहुत ही फ्रीली होकर बात करना, तो इन्हें इस रूप में भी जाना जाता है। बहुत ज़्यादा इनकी वीडियोज़ वायरल होती रहती हैं। और मुद्रा क्या है? कनेडियन डॉलर। क्या है मुद्रा? कनेडियन डॉलर। तो ये आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये है ग्रीनलैंड, ठीक है, और ग्रीनलैंड जो आइलैंड है ये क्या है? पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ है। और किस देश के अंतर्गत है, किस देश का अधिकार है ग्रीनलैंड आइलैंड पर? तो ये है आपके डेनमार्क का, दिख रहा है आपको डेनमार्क। ग्रीनलैंड के ही ये पूर्व में कौन सा देश स्थित है? आइसलैंड। कौन सा देश है? आइसलैंड, ठीक है। ऊपर है आर्कटिक सागर और बफेट सी, ठीक है। बफेट सागर कहाँ पर है? तो ये कनाडा में ही है, ठीक है। बेफिन की खाड़ी, ये देखिए ये है खाड़ी। खाड़ी किसे कहते हैं? वो भूभाग जो तीन ओर से जल से घिरा और भूखंड से घिराओ और एक ओर से किससे घिराओ? पानी से घिराओ, तो इसे क्या बोलते हैं? बेफिन। तो ये है बेफिन की खाड़ी, यहाँ आप देख रहे हैं कनाडा के उत्तर में। और ये है लैब्राडोर सागर कनाडा के पूर्व में। ये है हटसन की खाड़ी, ठीक है, ये देखिए तीनों ओर जल से घिरा है और बीच में ये क्या है? एक भाग इसका पानी से जुड़ा है, तो ये है हटसन की खाड़ी। ये कनाडा की बहुत सारी वो हैं, क्या बोलते हैं, झीलें, ठीक है, ग्रेट झील, स्लेव झील और आपकी सुपीरियर झील, इरी झील, ओंटारियो झील, ये सारी झीलें हैं।
ठीक है, इन्हें भी याद रखिएगा। और गल्फ ऑफ अलास्का, ये अलास्का राज्य, ये तीन ओर से किससे घिरा है, भूखंड से घिरा है, और एक ओर किससे घिरा है, जल से घिरा है, तो ये क्या कहलाता है, गल्फ ऑफ अलास्का। और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया आपने सुना होगा, जनरली कैलिफोर्निया में क्या देखे जाते हैं, तूफान देखे जाते हैं। ये देखिए, ये तीन ओर से भूखंड से घिरा है और एक तरफ किससे, जल से, तो इसे बोलते हैं गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। और यहां पर हम देख रहे हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है, ये है क्या, गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो इसमें बहुत सारी गल्फ मिल गई है, और ये है कैरेबियन सागर, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो कैरेबियन सागर का क्षेत्र है, यहाँ पर इस वाले एरिया में क्या है, पनामा झील है, ठीक है, जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को आपस में जोड़ती है। तो ये इतनी सारी गल्फ हैं, सारी की सारी खाड़ियों को आप याद रखिएगा, लोकेशन बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चर्चा में रहा बांग्लादेशी जहाज का क्या नाम है जिसने त्रिपुरा में गुमती नदी के रास्ते ट्रायल रन किया है, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के मध्य आंतरिक जल मार्गों के माध्यम से व्यापार में वृद्धि करने के लिए यह ट्रायल किया गया था। तो ये गुमती नदी किस राज्य में, त्रिपुरा में है, और उस जहाज का नाम क्या है, तो जहाज का नाम है एमबी प्रीमियर। क्या है जहाज का नाम, ये बांग्लादेश का जहाज है एमबी प्रीमियर, जिसने गुमती नदी में क्या किया है, ट्रायल किया है। ओके, एमटी न्यू डायमंड, ये क्यों था अभी चर्चा में जहाज, तो ये इसलिए चर्चा में था कि इसमें क्या था, ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जहाज था जिसे किराए पर लिया था क्रूड ऑयल को कैरियर करने के लिए, और पूर्वी श्रीलंका में इसमें भी क्या हो गया था, बायलर फटने से आग लग गई थी, ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और प्रतीक्षा क्या है, तो ये समुद्री एम्बुलेंस है जो केरल सरकार द्वारा चलाई गई, प्रतीक्षा, प्रतिछाया, करुणा, ठीक है, इस तरीके की कितनी, 5 एम्बुलेंस को चलाया गया है समुद्री मछुआरों और लोगों की जान बचाने के लिए किसी भी इमरजेंसी वाली कंडीशन में। बात कर लेते हैं हम बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की ये है रेड में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है बांग्लादेश। और भारत के कौन कौन से राज्य लग रहे हैं, तो वेस्ट बंगाल की सीमा लगती है, मेघालय लगता है, असम लगता है, और त्रिपुरा और मिजोरम भी सीमा भारत से, बांग्लादेश से लगती है। तो ये राज्य याद रखें आप लोग अच्छे से, ओके। यहाँ पर राजधानी क्या है, ढाका है, ढाका में बिम्सटेक का मुख्यालय मिलेगा आपको, मुद्रा है इनकी टका। भारतीय राजदूत कौन है बांग्लादेश में, तो ये हैं विक्रम दुरई जी। राष्ट्रपति हैं बांग्लादेश के अब्दुल हामिद, प्रधानमंत्री शेख हसीना है, और इन्हें 2019 में APJ अब्दुल कलाम स्मृति अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय APJ अब्दुल कलाम स्मृति अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा बांग्लादेश में ऑनलाइन बलि, जो जानवरों की बलि दी जाती है, उसको प्रारंभ किया गया है, और जो सार्वजनिक नेट सेवा थी फ्री थी उसे भी बंद कर दिया गया है क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा हिंसा फैल रही थी। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। प्रधान भारत की सबसे अधिक सीमा किस पड़ोसी देश से लगती है, तो बांग्लादेश से लगती है। बिम्सटेक संगठन का मुख्यालय कहाँ मिलेगा, तो ये बांग्लादेश के ढाका में मिलेगा, ओके। और भारत बांग्लादेश के मध्य कौन से अभ्यास होता है, तो ये संप्रति अभ्यास होता है, और संप्रति 9 अभ्यास कहाँ हुआ था, तो मेघालय के उमरोई में संपन्न हुआ था 2020 के स्टार्टिंग में, ओके। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे बांग्लादेश से। हाल ही में जारी व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा, तो पहले आपको ये टर्मोलॉजी क्लियर होनी चाहिए। व्यापार सुधार मतलब ये है कि कौन सा राज्य व्यापार को ज़्यादा आकर्षित करने में सफल रहा, मतलब अगर कोई आप जाते हैं यूपी में क्या करने, रोजगार अपना कोई भी बिजनेस डेवलप करने या एस्टैब्लिश करने, तो आप जा रहे हैं तो आपको क्या लगेगा, भाई वहाँ पर नगर निगम की परमिशंस लगेंगी, जो वहाँ का डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, उसकी परमिशन लगेंगी, ठीक है। तो बहुत सारे जो परमिशंस होती हैं वो कितनी परमिशंस हैं, कितनी परमिशन है, कितने समय में मिल रही हैं, व्यापार पूर्णता कब शुरू हो पा रहा है, तो इस तरीके की बहुत सारा जो सरकारी काम होता है कौन सा राज्य उसे सबसे अच्छे से कर पा रहा है, जिससे वो सबसे अधिक क्या कर रहा है, रोजगार कुशल राज्य बन रहा है, रोजगार कुशल आकर्षित राज्य बन रहा है, मतलब वो रोजगार जो बिजनेसमैन है उनको सबसे ज्यादा आकर्षित कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 रैंकिंग। तो इसे जारी किसने किया, इसे जारी किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा से लॉन्च किया गया है, ठीक है। और इसमें शीर्ष पर कौन सा राज्य, तो ये है आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर है आपका उत्तर प्रदेश, और तीसरे स्थान पर है तेलंगाना। और मध्य प्रदेश ने भी बहुत अच्छी रैंक यहाँ पर प्राप्त की है, ऑल ओवर इंडिया में टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है, तो ये रहा मध्य प्रदेश, ठीक है। सिर्फ 5th पर है झारखंड, तो ये रही इनकी रैंक। और 6th पे है छत्तीसगढ़, फिर 7th पे हिमाचल प्रदेश, 8th पर है राजस्थान,
9 पर वेस्ट बंगाल और 10 पर है गुजरात। तो ये रैंकिंग आप याद रखेंगे, ओके, इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए इस वर्ष मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि 2020 में वर्ल्ड बैंक जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग वर्ल्ड लेवल पर निकलती थी उसे उसने इस बार कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि ईरान और चीन जो है इनके जो डाटा थे पिछले 5 वर्षों के उनमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ पाई गई हैं, ठीक है। इसलिए 2020 की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक, याद रखिएगा, उसने इस साल की रैंकिंग नहीं जारी की। तो हम उसी तर्ज पर हमारे राज्यों की भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या करते हैं, रिपोर्ट लेकर आते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे राज्यों की ये थी आत्मनिर्भर भारत के लिए टॉप पर रहा आंध्र प्रदेश, ओके। आप तो ये लिस्ट एक बार देख लीजिएगा 2 से 3 बार तो आपको सारे स्टेट याद हो जाएंगे। अब बात आई है आंध्र प्रदेश की, तो एक मिनट में हम फटाफट आंध्र प्रदेश को देख लेते हैं। ये रही लोकेशन, इसकी सीमा लग रही है ओडिशा से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, ठीक है। पड़ोसी राज्य पहले याद रखिएगा, और एक तरफ किससे सीमा लगती है, बंगाल की खाड़ी से इसकी सीमा लगती है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की औद्योगिक विकास नीति लागू किया है हाल ही में 2020 से 2023 तक के लिए। राजधानी इसकी वर्तमान में हैदराबाद है, और आगे चलकर क्या बनेगी इसकी राजधानी, 3 राजधानियां बनेंगी इसकी, ठीक है। 3 राजधानी वाली परियोजना को वहां के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो ये हम अभी आगे देख रहे हैं, मुख्यमंत्री कौन है, जगनमोहन रेड्डी है। और बोरा की गुफाएं आंध्र प्रदेश में है। लोकसभा का कितनी है यहाँ पर, लोकसभा की सीटें 25, राज्यसभा 11, विधानसभा 175। भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो ये आंध्र प्रदेश है। 1953 में इसका गठन हुआ था और 2014 में जाके ये फिर से टूटा और इससे क्या बना, तेलंगाना बना, ओके। ये भी आप याद रखेंगे। विजयवाड़ा जो है प्रमुख शहर किस नदी के किनारे है, कृष्णा नदी के किनारे है। इसकी 3 राजधानियां होंगी, ठीक है। तो विशाखापट्टनम क्या होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी, प्रशासनिक राजधानी होगी। अमरावती इसकी लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका राजधानी होगी। और कुरनूल जो है जुडिशियली, न्यायपालिका राजधानी होगी। तो तीनों को आप याद रखिएगा अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा अपने पास। ऑपरेशन मुस्कान और ई रक्षाबंधन प्रोग्राम किसने लागू किया है, तो ये भी अभी आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। हाल ही में चर्चा में रही ब्रेकिंग द कानून एट द रेट 40 पुस्तक निम्न में से किसने लिखा है, तो इस पुस्तक की लेखक कौन है, तो ये हैं आपकी राधा नायर जी। कौन है, राधा नायर इसकी लेखिका है। राधा भाटिया क्यों थी, इनकी पुस्तक थी लस्सी, ठीक है। उसे 2020 में इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आप याद रखेंगे राधा भाटिया की पुस्तक लस्सी। निरुपमा यादव की बुक का नाम है विशेष कोड टू विन, विशेष कोड टू विन। और चेतन भगत की पुस्तक का नाम है वन अरेंज्ड मर्डर, वन अरेंज्ड मर्डर। तो सारी बुक्स को आप यहां से अच्छे से याद रखेंगे, ओके। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा फुटबॉल प्रशिक्षण मोबाइल ऐप केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू द्वारा लॉन्च किया गया। क्या नाम है उस फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप का, तो उसका नाम है इनजोगो, इनजोगो, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखिए कोविड-19 की वजह से जो खिलाड़ी हैं फुटबॉल के वो अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, तो जो ट्रेनर है वो इस ऐप के माध्यम से उन्हें ऑनलाइन ट्रेनिंग या प्रशिक्षण प्रदान कर पाएंगे। और ये भारत का पहला ऐप है जो फुटबॉल प्रशिक्षण के लिए बनाया गया है। और मैं आपको बार बार बोलती हूँ, पहला आ गया है तो अपने आप ये इम्पॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। याद रखिए खेल मंत्री कौन है, किरण रिजिजू। और इन्होंने हाल ही में क्या घोषणा की थी कि ब्रिक्स खेल जो हैं उनकी मेजबानी भारत करेगा, ठीक है। चलिए, हाल ही में केंद्रीय परिवहन और सड़क राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी द्वारा घोषणा करने के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश में है? दूसरे सड़क नेटवर्क की बात हो रही है, तो राइट आंसर होगा भारत में है दूसरा विश्व का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क। और पहला कहाँ पर है, तो पहला है USA में, ठीक है। पहला सड़क नेटवर्क कहाँ पर है, अमेरिका में, और दूसरा है नितिन गडकरी। और नितिन गडकरी जी ये क्या है, हमारे केंद्रीय परिवहन और सड़क राजमार्ग मंत्री और प्लस MSME मंत्री, ठीक है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री भी यही है। और इनका लोकसभा क्षेत्र क्या है, महाराष्ट्र का नागपुर। क्या है लोकसभा क्षेत्र, महाराष्ट्र का नागपुर। तो आप इन्हें भी याद रखेंगे, क्योंकि देखिए ये जो सड़क परिवहन मंत्री है ना, आप लोगों को पता होगा अभी तक के भारत के इतिहास में इतने फेमस सड़क परिवहन मंत्री कोई नहीं रहा, जिन्होंने कार्यों को इतने तेजी से किया कि वो अपने कामों की वजह से जाने जाते हैं। इनके समय में, इन्हें हमेशा याद किया जाएगा कि इनके समय में सर्वाधिक सड़कों का निर्माण किया गया था, ठीक है। सर्वाधिक सड़कें, सर्वाधिक ओवरब्रिज, सर्वाधिक पुल सभी इनके समय में निर्माण किए गए हैं, ठीक है, कार्यकाल में। नेक्स्ट,
निम्न में से किस राज्य सरकार ने रमी और पोकर ऑनलाइन खेलों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? केंद्र सरकार ने तो लगा ही दिया है, ठीक है, पबजी और 218 अदर एप्स पर, और इसी से प्रेरित होकर क्या किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने, पोकर और रमी ये क्या है, दोनों ही जो इस तरीके के खेल होते हैं पत्तों के खेलने वाले, तो इन पर आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा रोक लगा दी गई और जगन मोहन रेड्डी जो वहाँ के सीएम हैं उनके द्वारा कहा गया है कि ये गेम्स क्या कर रहे हैं, युवाओं को भटकाते हैं, ठीक है, और उनको भटकाते हैं और गलत क्षेत्रों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करते हैं और ये उनके भविष्य के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए आंध्र प्रदेश में इन खेलों पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया और बहुत ही अच्छा काम किया गया है ये। चलिए आंध्र प्रदेश के बारे में हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं इसलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन की तरफ। निरुपमा यादव की बुक का नाम क्या है, विशेष कोड टू विल। यतीश यादव की पुस्तक का नाम क्या है, रो अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ड ऑपरेशन अमेजिंग अयोध्या बुक किसकी है, नीना रॉय की है। आरोग्य मित्र कहाँ पर, आरोग्य मित्र कहाँ पर स्थापित किए गए हैं, तो आंध्र प्रदेश में बनाए गए हैं। स्वास्थ्य मित्र राजस्थान में बनाए गए और किसान मित्र हरियाणा में बनाए गए। तीनों मित्रों को याद कर लीजिएगा अलग अलग। देश का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म किस राज्य में स्थापित किया गया, आंध्र प्रदेश में। देश का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। कार्मेन हार्ड वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है, ये याद रखिएगा। थियरी डेलापोर्ट विप्रो के एमडी सीईओ बने हैं, बनी है। मार्कोस ट्राइजो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। मार्कोस ट्राइजो किसके अध्यक्ष हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। इयान वेल का हाल ही में संन्यास की घोषणा की और ये कहाँ के क्रिकेटर है, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। रूस ने पाकिस्तान के लिए नो आर्म सप्लाई नीति को बरकरार रखा है। रूस के सहयोग से अमेठी में AK-203 असॉल्ट राइफल कारखाने की स्थापना में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की गई है, क्योंकि हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कहाँ गए थे, रूस गए थे, तो उसी समय ये सहमति व्यक्त की गई है। इंदिरा नेवी एक्सरसाइज का 11वां संस्करण बंगाल की खाड़ी में रूस तथा भारत के मध्य संपन्न हुआ, ठीक है, 4-5 सितंबर को, याद रखिएगा। कावकाज 2020 में भारत ने युद्ध अभ्यास में शामिल होने से इनकार कर दिया, कहाँ हुआ था ये, तो ये हुआ था रूस में, एक बहुपक्षीय अभ्यास था, भारत के साथ ही कौन, चीन और पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो रहे थे, इसलिए भारत ने मना कर दिया कि जहाँ ये दोनों देश रहेंगे वहाँ हम नहीं करेंगे। हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल रूस ने अपनी सेना में शामिल किया है, कौन सा, अवनगार्ड, ठीक है। सुपर ऐप टाटा समूह द्वारा डिजिटल सेवा को प्रारंभ करने के लिए लाया गया, इस ऐप में सारे ऐप जो आपके मोबाइल में लगभग 20 से 25 ऐप हैं उसकी जगह ये एक ऐप काम करेगा, कौन सा, सुपर ऐप। CISF ने अपने जो कर्मचारी हैं उनके लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, पेंशनर कॉर्नर एप्लीकेशन, जिससे उन्हें पेंशन संबंधी सारी जानकारियां प्राप्त हो सके। ओणम केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है, सबरीमाला मंदिर आपको केरल राज्य में मिलेगा। देश की पहली LNG बस कहाँ चली थी, तो ये भी केरल के कोच्चि में ही चली थी, याद रखिएगा। देश की पहली सुपर फैब लैब कहाँ स्थापित की गई है, तो ये भी कहाँ स्थापित की गई है, केरल में की गई है। केरल सरकार ने मैं भी डिजिटल हूँ डिजिटल साक्षरता अभियान प्रारंभ किया था। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया, वायुसेना के खेल नियंत्रण बोर्ड को सम्मानित किया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में नई जेब सुरक्षा दूसरी पीढ़ी की परीक्षण प्रयोगशाला का प्रारंभ किया गया है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा यूपी वाले स्टूडेंट स्पेशली, क्योंकि जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। विश्व बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 के प्रकाशन पर रोक लगा दी है। इंडेक्स में 2019 में भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो 2020 में आया था उसमें भारत की रैंक थी 63 और टॉप पर कौन सा देश था, न्यूजीलैंड। वर्ष 2019 में प्रणब मुखर्जी के साथ भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को क्या मिला था, भारत रत्न सम्मानित किया गया था। लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने, मुस्तफा अदीब बने हैं। मार्क एंथनी फिलिप्स कहाँ के प्रधानमंत्री बने, गुयाना के बने। हिचेम मिचीची ट्यूनिशिया के नए प्रधानमंत्री बने। क्रिकेटर चेतन चौहान जिनका निधन हो गया, उत्तर प्रदेश में इनके नाम पर एक सड़क का नाम रखा जाएगा। देश का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश में बनेगा। उत्तर प्रदेश, एक और चीज याद रखिएगा, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, ये कुशीनगर जो एयरपोर्ट था अब इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया जाएगा। और अभी ये चर्चा में इसलिए था, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, हरदीप सिंह, तो वो यहाँ पर गए थे, तो इसलिए ये न्यूज में था, तो याद रखिएगा। सिक्किम में फुटबॉलर बाइचिंग भूटिया के नाम पर नामची फुटबॉल स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। किसका रखा जाएगा, नामची फुटबॉल स्टेडियम का। कहाँ है ये स्टेडियम, तो ये सिक्किम में है।
हाल ही में इसराइल और यूएई के मध्य पहली कमर्शियल उड़ान भरी गई, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसराइल और यूएई के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? इब्राहिम एकॉर्ड साइन किया गया था। भारत और नेपाल के मध्य बिहार के मोतिहारी, नेपाल के अमलेखगंज के मध्य दक्षिण एशिया की पहली, अब बात पहली आ गई तो इंपॉर्टेंट हो गया, तेल पाइपलाइन बिछाई गई है। सत्येंद्र सिंह लोहिया को पैरा एथलेटिक्स तेंजंग नारगे वाटर एडवेंचर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। एमपी के खिलाड़ी हैं ये, याद रखिएगा। सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? प्रमोद चंद्र मोदी बन गए हैं। ये था आपका पूरा आज का पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। आज के क्वेश्चन है, इटली में भारत की अगली राजदूत निम्न में से कौन होंगी? ये रहे आपके ऑप्शन। और कल का आंसर दिया था किसने, जो शिखर सम्मेलन होगा वो दिया था आंसर आपके मुकेश गुर्जर ने, ठीक है, वेरी गुड मुकेश, आप लोग भी आंसर दीजिए, अच्छा लगेगा आप लोगों को। और कंटेंट अगर पसंद आया है और मेहनत अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें, प्लीज़ फ्रेंड लाइक ज़रूर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।